24 सितंबर 2023 अमेरिका के उटा मिलिट्री बेस के आसमान में ऊपर से गिरता हुआ एक बड़ा सा कैप्सूल टाइप ऑब्जेक्ट दिखा, जो 44,500 किलोमीटर पर आर की हाई स्पीड पर एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ मिलिट्री बेस की ओर बढ़ रहा था। नासा लगातार इसे इंफ्रारेड सैटेलाइट के जरिए ट्रैक कर रही थी, लेकिन नासा इस ऑब्जेक्ट के अर्थ की ओर आने से डर नहीं रही थी, बल्कि उल्टा वो तो खुश थे। पर आखिर क्यों? आखिर स्पेस से अमेरिका पर गिर रहे इस कैप्सूल के अंदर क्या है और कैसे इस कैप्सूल के अंदर छुपी इन्फॉर्मेशन इंसानों को आने वाले एक मास एक्सटिंक्शन से बचा सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, नासा द्वारा साल 2016 में ओसिरिस रेक्स मिशन अर्थ से 8,48,09,981 किलोमीटर दूर मौजूद 101955 बेनू नाम के एक एस्ट्रॉइड पर भेजा गया था, जो 7 साल के बाद उस एस्ट्रॉइड के सैंपल्स को लेकर वापस अर्थ की ओर आ रहा था। और हाँ, ये वही बेन्यू एस्ट्रॉइड है जो नासा के मुताबिक फ्यूचर में अर्थ को हिट करने की प्रोबेबिलिटी में सबसे टॉप पर आता है, इसीलिए इसे नासा सोलर सिस्टम में अर्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटी के लिए भी, क्योंकि हम भी इसी नीले ग्रह पर रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। 8 सितंबर 2016 नासा ने अपना $1 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ इंडियन रुपीज में बना ओसिरिस रेक्स मिशन लॉन्च किया। ये पहली बार था जब नासा सोलर सिस्टम के किसी एस्ट्रॉइड के सैंपल्स को वापस अर्थ पर ला रही थी। अब इस मिशन के ना 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड यानी कि 101955 बेन्यू के सरफेस पर लैंडिंग करके सैंपल्स को कलेक्ट करना, और दूसरा वापस इन सैंपल्स को अर्थ पर सेफली लाना। अब साल 2016 में लॉन्च के बाद ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट की बेन्यू एस्ट्रॉइड की ओर डीप स्पेस जर्नी शुरू हुई, जिसके बाद हाईली रेडिएशन से भरा ये एक्सट्रीमली कोल्ड हॉरिफाइड डीप स्पेस सफर 2 साल बाद 3 दिसंबर 2018 को खत्म हुआ, जहां ये स्पेसक्राफ्ट मार्स एंड अर्थ के बीच में चक्कर लगा रहे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एंड आइफल टावर से भी बड़े ऑलमोस्ट 500 मीटर्स वाइड एस्ट्रॉइड बेन्यू के ऑर्बिट में पहुंच गया, जहां से बेन्यू के ऑर्बिट में घूमते हुए इसने इसकी ऑब्जर्वेशन शुरू की। साथ ही साथ इसमें लगे डिवाइसेस ने इसके अराउंड स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, जहां पर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा जिसने सभी को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया, और वो था एक ब्लैक होल। जी हां दोस्तों, 11 नवंबर 2019 बेन्यू के ऑब्जर्वेशन करते हुए ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस रेगोलिथ एक्सरे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि रेक्सिस ने हमारे सोलर सिस्टम से 30,000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद मैक्सी J0637043 ब्लैक होल के एक्सरे एमिशन को डिटेक्ट किया, जिसे अभी आप देख रहे हैं। इस एक्सरे मैप में मौजूद ये ब्राइट डॉट ही वो मैक्सी J0637043 ब्लैक होल है, जिसके इवेंट होराइजन से ये इमेंस अमाउंट ऑफ एक्सरे रेडिएशन बाहर निकल रहा है। अब वापस से ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट की बेन्यू एस्ट्रॉइड पर की गई ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो नासा के मुताबिक ये कार्बन रिच एस्ट्रॉइड है, जिसमें कार्बन कंटेंट उसके टोटल मास का 5-10% है, और इसीलिए हमें ये एस्ट्रॉइड इतना ज्यादा डार्क कलर्ड देखने को मिलता है। वैसे इसका एक नुकसान भी है, क्योंकि अपने इस कार्बन कंटेंट के चलते ही ये अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट का ऑलमोस्ट 94% पार्ट अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण ह्यूमन आई और नॉर्मल टेलीस्कोप के लिए ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है, पर हाई क्वालिटी एडवांस टेलीस्कोप इसे देख सकते हैं, खास करके स्पेस टेलीस्कोप्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होती है। लैंडिंग अटेम्प्ट ऑन बेन्यू। दोस्तों, ऑर्बिट से ऑब्जर्वेशन के बाद शुरू होता है बेन्यू पर ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट का लैंडिंग प्रोसेस। तो नासा के इस मिशन में पहले हमें यह समझना होगा कि ओसिरिस रेक्स वर्ल्ड का पहला एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन नहीं है, बल्कि इससे पहले जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा इस तरह के 2 मिशन को सक्सेसफुली कर चुकी है, जिसमें पहला मिशन हायाबुसा 1 जापान ने 9 मई 2003 में ही लॉन्च किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था अर्थ से 42 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर मार्स एंड जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद इतोकावा एस्ट्रॉइड से सॉइल एंड रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस से धरती पर लेकर आना, जो कि इसने किया भी, और साल 2005 में इतोकावा पर पहुंचकर सैंपल कलेक्ट करके ये सक्सेसफुली साल 2010 में अर्थ पर लौट आया, जिसकी सक्सेस के बाद जापान ने अपना दूसरा एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन 3 दिसंबर 2014 में हायाबुसा 2 लॉन्च किया, जो कि 4 साल बाद साल 2018 में 1.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर मौजूद 162173
रियुगु एस्टेरॉयड पर पहुंचा और वहां से सॉइल एंड रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करते हुए 6 दिसंबर 2020 में सैंपल्स को वापस अर्थ पर सक्सेसफुली लेकर पहुंच गया। अब इन दोनों ही मिशंस ने हमारी एस्टेरॉयड के बारे में जानने में काफी ज्यादा मदद की। हायाबुसा 1 मिशन के दौरान हमने इतोकावा एस्टेरॉयड की कई डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर की एंड 3D मैपिंग भी की, जिसकी मदद से नासा ने अपने ओसाइरिस रेक्स मिशन की लैंडिंग एल्गोरिदम तैयार की, क्योंकि नासा को उम्मीद थी कि बेनु एस्टेरॉयड की सरफेस भी इतोकावा की तरह ही होगी। लेकिन जब साल 2018 में ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट बेनु के करीब पहुंचा, तब नासा को एक झटका लगा, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के कैमरा से ये पता चला कि बेनु की सरफेस काफी ज्यादा ऊबर खाबड़ है और छोटी छोटी चट्टानों से भरी हुई है, जहां पर स्पेसक्राफ्ट को लैंड करना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि देखो, जापान के हायाबुसा मिशन के बेसिस पर नासा ने इस मिशन के लिए लैंडिंग साइट अबाउट 50 मीटर्स यानी कि 164 फीट की प्लान की थी, और इतनी बड़ी और स्मूथ लैंडिंग साइट बेनु पर थी ही नहीं। अब इस मिशन की चीफ साइंटिस्ट डांटे लोरेटा ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि जब हमने स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग सीक्वेंस से पहले एक लैंडिंग स्पॉट ढूंढने की कोशिश की, तो कोई भी सेफ लैंडिंग स्पॉट मिला ही नहीं, जिस दौरान हमें लगा कि शायद अब इस एस्ट्रॉइड पर सेफ लैंड करना या फिर सैंपल कलेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर नासा की मदद की एक म्यूजिशियन एंड सॉन्ग राइटर ब्रायन मे ने। वैसे आप सोच रहे होंगे कि यार, स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड पर लैंड करने में नासा की मदद एक म्यूजिशियन कैसे कर सकता है? तो देखो, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये म्यूजिशियन एक PhD होल्ड करने वाला एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी है, जिनका नासा को सुझाव था कि स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग को फाइंड करने के लिए हमें इस एस्ट्रॉइड की स्टीरियोस्कोपिक इमेजिंग करनी होगी। तो देखो, स्टीरियोस्कोपिक इमेजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम कैमरे के द्वारा रिकॉर्डिंग थिंग्स को 3D में बिल्कुल ह्यूमन आइज की पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। अब इसका फायदा यह था कि इसके जरिए हम एस्ट्रॉइड पर मौजूद ऑप्टिकल्स को ज्यादा अच्छे से और अलग अलग एंगल्स में देख सकते हैं, और डॉक्टर ब्रायन मे का ये सुझाव काम भी आया। स्टीरियोस्कोपिक इमेजिंग के जरिए नासा ने बेनु एस्ट्रॉइड पर नाइटिंगेल क्रेटर में काफी छोटी 33 फुट वाइड यानी कि 10 मीटर चौड़ी एक सेफ लैंडिंग साइट को ढूंढ लिया, जो पहले तय की गई 164 फुट वाइड यानी कि 50 मीटर की लैंडिंग साइट से 5 गुना छोटी थी। बट क्योंकि यहां पर नासा के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इसीलिए लैंडिंग डिसेंट शुरू कर दिया गया। लैंडिंग सीक्वेंस काफी अच्छा रहा, फाइनली स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग साइट को टच किया, लेकिन सरफेस को टच करते ही अचानक स्पेसक्राफ्ट बेनु की सरफेस के नीचे धंसने लगा, मानो सरफेस कोई हार्ड जमीन नहीं बल्कि पानी की बनी हुई है। अब नासा के अकॉर्डिंग इस दौरान स्पेसक्राफ्ट बेनु में ऑलमोस्ट 19 इंचेस यानी कि 50 सेंटीमीटर तक धंस गया। लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम सामने आई, अचानक लैंडिंग साइट के चारों ओर काफी ज्यादा मात्रा में रॉक्स और सॉयल्स उड़ने लग गई। इसीलिए मौका मिलने पर तुरंत ही स्पेसक्राफ्ट के ऊपर लगे सैंपल कलेक्शन हेड ने बेनु की इन सॉयल एंड रॉक्स को तेजी से अपने अंदर सक कर लिया, और लैंडिंग के कुछ समय बाद ही स्पेसक्राफ्ट ने दोबारा से थ्रस्टर्स फायर किए और अगेन स्पेस की ओर लॉन्च हो गया। अब नासा ने जब स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रॉइड पर लैंडिंग वाला वीडियो देखा, तो वैज्ञानिकों का कहना था कि ये लैंडिंग इतनी ज्यादा हार्ड थी कि इस दौरान स्पेसक्राफ्ट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने ही वाला था। ओसाइरिस रेक्स कैप्सूल सैंपल रिटर्निंग जर्नी टू अर्थ 10 मई 2021 से ओसाइरिस रेक्स के SRC कैप्सूल यानी कि सैंपल रिटर्न कैप्सूल की अर्थ की ओर रिटर्निंग जर्नी शुरू हो गई, एंड अगेन इसने बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का डीप स्पेस सफर तय किया, जिसके बाद 24 सितंबर 2023 को ये अर्थ तक पहुंचा, जहां अर्थ के सरफेस से 101,000 किलोमीटर दूर स्पेसक्राफ्ट ने सैंपल रिटर्न कैप्सूल को अर्थ के एटमॉस्फेयर की ओर रिलीज कर दिया, जिसके बाद ऑलमोस्ट 43,450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कैप्सूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में अपनी डिसाइडेड लैंडिंग लोकेशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ऊटा टेस्ट ट्रेनिंग रेंज की ओर बढ़ने लगा। इस दौरान कुछ समय के लिए स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में इतनी तेजी से ट्रैवल कर रहा था कि फ्रिक्शन की वजह से स्पेसक्राफ्ट की बाहरी शील्ड 2900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुकी थी, जिसे नासा द्वारा लगातार इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट के द्वारा भी डिटेक्ट किया जा रहा था। अब सरफेस से ऑलमोस्ट 20,000 फीट ऊंचाई पर कैप्सूल में लगे पैराशूट बाहर की ओर निकलकर डिप्लॉय हो गई, जिससे कैप्सूल की स्पीड तेजी से कम हुई, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद ही कैप्सूल सेफली ऊटा मिलिट्री ट्रेनिंग रेंज में लैंड हो गया। कैप्सूल रिकवरी।
लैंडिंग के बाद कुछ समय तक कैप्सूल को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया, जिसके बाद नासा के वैज्ञानिकों ने प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर कैप्सूल को अच्छे से एग्जामिन किया कि कहीं लैंडिंग के दौरान कैप्सूल कहीं से भी ब्रेक तो नहीं हो गया। अब एग्जामिनेशन के बाद इसे मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके पास के टेम्पोररी फैसिलिटी में ले जाया गया, जहां पर कैप्सूल की क्लीनिंग की गई और बाद में कैप्सूल के अंदर नाइट्रोजन गैस का कंटिन्यूअस फ्लो किया गया, ताकि सैंपल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस, पार्टिकल्स या फिर किसी भी चीज से कंटामिनेट ना हो जाए। क्योंकि नाइट्रोजन गैस मोस्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर ही नहीं पाती है, इसीलिए इसके फ्लो से सैंपल्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उन्हें किसी बाहरी कंटामिनेशन से भी बचाया जा सकेगा, जहां अब इन्हें नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर तक एयर ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, जहां नासा के वैज्ञानिक इस सैंपल का रिसर्च करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिस पर रिसर्च करने से हमें इसके और ऑल्सो सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग इस एस्ट्रॉइड की एज 4.5 बिलियन ईयर्स है, जबकि सूरज के प्रस्पेक्टिव में सोलर सिस्टम की एज 4.6 बिलियन ईयर्स है। यहाँ पर आपको अंतर दिखा? हाँ बिल्कुल, ये एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के केवल 10 मिलियन साल बाद ही बन गया था। नाउ मे बी ये अर्थ के बनने से भी पहले का समय है, इसीलिए इस एस्ट्रॉइड की स्टडी से हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट फॉर्मेशन साथ ही साथ एस्ट्रॉइड के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन को शेप करने में एक गेम चेंजिंग इन्फॉर्मेशन साबित होगी। वैसे नासा बेनू के इन सैंपल्स का 25% दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज के साथ 200 वैज्ञानिकों को इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए भी देगी, जिनमें इन सैंपल्स का 4% नासा कैनेडियन स्पेस एजेंसी को रिसर्च के लिए देगी, 0.5% जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जैक्सा को, बाकी दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसीज को। नाउ द टिकिंग बॉम्ब कुड बी ए रीजन ऑफ मास एक्सटिंक्शन। इस एस्ट्रॉइड पर जांच करने की सबसे बड़ी वजह है ये। हाँ आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, इसका और अर्थ का ऑर्बिट आपस में क्रॉस करता है और इसीलिए नासा ने इस 510 मीटर वाइड बेनू एस्ट्रॉइड को पॉसिबली फ्यूचर में अर्थ से हिट करने वाला एस्ट्रॉइड की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। और दोस्तों नासा के अकॉर्डिंग ये एस्ट्रॉइड अर्थ से 24 सितंबर 2182 में दोपहर के समय टकराएगा, जिसकी टक्कर इतनी भयानक होगी कि इसके अर्थ से हिट करते ही 12,000 मेगाटन ऑफ एनर्जी क्रिएट होगी, जो इंसानों पर मौजूद अब तक के मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन से भी 24 गुना ज्यादा है, जिससे अर्थ पर एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन इवेंट देखने को मिलेगा। अब इसमें ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगी, बट हाँ अगर ये अर्थ से टकराता है तो इससे ह्यूमैनिटी को काफी बड़ा नुकसान जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन जिस तरह नासा इस एस्ट्रॉइड के बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है एंड डार्ट मिशन जैसे एस्ट्रॉइड रीडायरेक्ट मिशन कर रही है, उसको देखकर लगता है कि 2182 तक हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी जो इससे अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। वैसे जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि जिस एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स की आबादी को खत्म किया था उसका नाम क्या था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और हाँ गूगल करके मत लिखना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।